السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا मोहतरम सामेईन इकराम, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और ख्वातीन इस्लाम, आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू के तहत चंद बातें मुझे आपसे करनी है, मौजू है इस्तकबाल रमज़ान। और शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहने वाला सिर्फ रस्मी तौर पर अपनी बातें ना कहे और सुनने वाले एक आदत के तौर पर, एक रस्म के तौर पर अपनी बातें ना सुने। हम कहते इसलिए हैं ताकि हम मेरे अंदर, खुद बोलने वाले के अंदर अमल का जज्बा पैदा हो। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कभी कभी मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितना बोलते हैं अंदर से उतने नेक नहीं हैं। बीवी से कहता हूँ कभी शिकायत या आपस अंदर का दर्द, कि हम जितना ज़्यादा बातें करते हैं, जितना ज़्यादा बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, दीन के अहकाम बताते हैं, दीन की बातें बताते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मेयार बोलने में हमारा है, अपनी अमली ज़िंदगी में हमारा वो मेयार नहीं है। तो एक बात मेरी बीवी कहती है, मैं भी वो बात कहता हूँ, मेरे जहन में भी है वो बात, आपके जहन में बात होगी, और ये अमली तौर पर प्रैक्टिकल ये सही बात है कि इंसान जब दीन के काम में लगता है तो जज्बा पैदा होता है। आप जब बोलते हैं, तकरीर करते हैं, कहीं खुतबा देते हैं, तो आपके अंदर से आपका नफ्स कहता है कि बोले हो तो करके भी दिखाओ, तुम लोगों को समझाते हो तो खुद भी तो करो। ये इंसान के अंदर ये बात होती है और ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि इंसान जब अमली मैदान में आता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लोगों को कुछ बातें बताने की कोशिश करता है, तो इल्म की नशर इशात का एक अहम फ़ायदा जो उलमाए कराम को, खुतबाए कराम को अपने जहन में रखना चाहिए कि इल्म फैलाने का, लोगों को बताने का एक अहम फ़ायदा ये है कि बोलने वाले के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता, उसके इल्म में इजाफा होता है, बिला शुबा उसकी जानकारी में इजाफा होता है। लेकिन उससे बड़ा फायदा यह है कि उलमाए कराम ने बयान भी किया है कि बोलने वाले, इल्म फैलाने वाले, इल्म देने वाले के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता है, अपनी इस्लाह का जज्बा पैदा होता है, अपने आप को सही करने का, अपने आप को दुरुस्त करने का जज्बा पैदा होता है। बहरहाल मकसद यह है, ये तमहीदी बात की छोटी सी, कि मकसद यह है कि हमारे जलसे, हमारे जुलूस, हमारी कॉन्फ्रेंस, हमारा जो भी बैठना है, ये बिना मकसद नहीं होना चाहिए। अगर बिना मकसद है, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि बैठे हैं, कुछ सुन लेंगे, कानों को अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा लगेगा, उसके बाद खाने का इंतज़ाम होगा, चाय पानी का इंतज़ाम होगा, अगर ये तमाम बातें कहीं ये मकसद बन जाए हमारे जहन में, तो गोया कि जलसे की रूह हमने निकाल दी, हमने बैठने की रूह निकाल दी। इस मकसद के लिए हमने ये मस्जिद सजाई है, इस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, हमने गोया कि उसे बेजान कर। तो इसलिए मैं थोड़ी सी दरख्वास्त ये करूँगा, पहली बात है कि जो बातें, हो सकता है बातों में तरतीब ना हो, बातें टूटी फूटी हो, बातों में इतनी बहुत ज़्यादा वजाहत ना हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बातें मैं सादा अंदाज में आपके सामने रख सकूँ। और आपसे गुजारिश ये होगी कि आप कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी अमली ज़िंदगी में उन बातों को लाने की कोशिश करें। देखिए, मौजू जो है इस्तकबाल रमज़ान, रमज़ान आने वाला है, ये जुमा है, उसके बाद एक और जुमा, उसके बाद वाला जुमा लगभग, यानी अब जो जुमा आएगा उसके बाद वाला जुमा रमज़ान में शायद पड़ सकता है। तो रमज़ान बहुत करीब है और एक बहुत ही अहम मेहमान, अजीम मेहमान अब हमारे सामने आने वाला है, एक ऐसा महीना जिसकी अजमतें बड़ी हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि हम रमज़ान की अजमत को पहचाने। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को अपनी इस्लाह का, रब की मग़फ़िरत पाने का, अपने आप को अजर सवाब कमाने का, जन्नत के दरवाजे, आप जानते हैं हदीसों में आता है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ,
कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये इस्तकबाल है रमजान, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रमजान का इस्तकबाल है, रमजान आने की। जैसे रमजान आया जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए और सरकश शैतान जकड़ दिए गए, उनकी बुराइयां, उनकी चालें, उनकी साजिशें खत्म कर दी गई या कम कर दी गई। ये तमाम उसकी आजमतें इस महीने की। उसके बाद आप जानते हैं बहुत सारी बातें आप सुनते रहते हैं उलमाए कराम हदीसों में, जो बहुत वाज़ेह हदीसें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान की हर रात, रमजान की हर रात लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ये इस महीने की आजमत है कि आप सोचिए मैं आजाद हो जाऊं जहन्नम से, इससे बड़ी खुशी किसी मुसलमान के लिए, बल्कि किसी इंसान के लिए, बल्कि किसी मखलूक के लिए जिसमें जिन्नात भी शामिल है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है, इससे बड़ी फौज़ो फलाह इंसान के लिए क्या हो सकता है कि इंसान जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की हर रात कोई आए तो आप उसको मत देखें, मुझे देखिए। लोग आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो जो जिस काम के लिए बैठे हैं उस काम पर तवज्जो दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की हर रात अपने बंदों को आज़ाद करता है। बस मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे आपको ये बात बता सकूँ कि इंसान जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाए तो दुनिया की हर खुशी, इंसान सुबह उठता है मूड अच्छा है तो कितनी खुशी होती है, कुछ अच्छी कामयाबी जिंदगी में आती है, कुछ अच्छा काम कर लेता है दीन का दुनिया का, तो छोटी सी खुशी से कितना खुश हो जाता है, और किसी इंसान को हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाए, उससे ज़्यादा बड़ी बदबख्ती, उससे ज़्यादा बड़ी उसकी मुसीबत नहीं हो सकती। और अगर किसी इंसान को ये कह दिया जाए कि तुम जहन्नम से आज़ाद हो, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, जन्नत की नेमतें नसीब होंगी, जन्नत की फिरदौस तुम्हारा ठिकाना है, दुनिया की तमाम नेमतें उसके सामने हेज हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, हमें कितनी खुशी होगी। तो पहली बात जो कहनी है इसको दोहराइए, उसका तरीक़ा क्या हो सकता है, उसका तरीक़ा यही है कि आप उलमाए किराम की तकरीरें सुनो, रमज़ान की आज़मतों के बारे में, उसके मुकाम के बारे में, उसकी बरकतों के बारे में, उसकी रहमतों के बारे में आप उलमाए किराम की तकरीर सुनें। अगर हो सकता है तो आप किताबें पढ़ें, पंफलेट पढ़ें, जो भी आपको मैसर है जो कर सकते हैं। एक इस्तकबाल रमज़ान का बहुत बुनियादी हिस्सा ये है कि हम अपने दिल में, इंशाल्लाह आगे बात आएगी, लेकिन अपने दिल में, अपने बच्चे के दिल में रमज़ान की आज़मत पैदा करें। बीवी को बताएं कि रमज़ान का मुकाम क्या है, उसकी रहमतें कितनी हैं, उसकी बरकतें कितनी हैं। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों में, वालदैन में, हर शख्स को बताएं। मुस्लिम मोहल्लों में इस बात का इजहार पहले से होना चाहिए, इस बात का एहसास मुसलमानों को, साहिब ईमान को, अहले ईमान को पहले से होना चाहिए। हम ये बताएं कि रोज़ादार जो उसके मुंह से बू आती है, अल्लाह तबारक व तआला को कस्तूरी की महक से, कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। हम ये बताएं कि जब इंसान एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से 70 साल की दूरी पर कर देता है। एक रोज़ा दिल के साथ, इखलास के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए अगर कोई रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की दूरी पर कर देता है। यह है रमज़ान की आज़मत, यह है उसका मकाम, यह है जो खजानों का दहाना खुलने वाला है, खजानों की तिजोरी खुलने वाली है। अकलमंद वो है जो लूट ले, होशियार वो है जो उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा ले। तो हम में से सबसे अकलमंद मुसलमान वही है, बल्कि अकलमंद इंसान वो है जो रमज़ान के खजानों से अपनी तिजोरी भरेगा, रमज़ान के खजानों से अपना दामन भरेगा। इसको जाने मत दीजिए, पता नहीं अगला रमज़ान मुझे और आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, किसी के पास कोई जमानत नहीं है, कोई एक पल की जमानत नहीं दे सकता अगले पल वो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, पता नहीं। आज जो बैठे हैं मस्जिद में, कल वो रमजान में ऐसे ही बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, हमें नहीं पता। तो हम क्यों बेवकूफ बने हुए हैं, हम क्यों नहीं फायदा उठाने वाले? हम दुनिया के कारोबार में फायदे की सोचते हैं, नौकरी में फायदे की सोचते हैं, दुनिया के हर मामले में फायदे की सोचते हैं, तो आखिरत का मामला जो हमेशा रहने वाला है, जो अबदी है, जो सरमदी है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जिसकी नेमतें हमेशा होंगी, जिसकी सजाएं हमेशा होंगी,
आप सोचिए, आपको एक सांप काटे, सुनते रहते हैं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारा कर रहा हूं, आपको एक सांप काटे, आपको कितनी तकलीफ होगी? आपकी उंगली आग में जल जाए, आपको कितनी तकलीफ होगी? चाकू से आप उंगली काट के देखिए, आपको कितनी तकलीफ होगी? और फिर तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर करना जरूरी है, यहां सोचना जरूरी है, जन्नत की नेमतों का तसव्वुर और जहन्नम की होनाकियों का तसव्वुर, वहां की मुसीबतों का, परेशानियों का तसव्वुर। ये तसव्वुर हमें गुनाहों से बचाता है, ये तसव्वुर हमें अजर सवाब की उम्मीद दिलाता है, हमसे नेक काम करवाता है। सोचिए, एक इंसान को एक वादी में डाला जा रहा है, हर तरफ खून है, पीप है, सांप है, आग है, कांटे हैं, क्यों हम जाना चाहते हैं, क्यों हम वहां जाना चाहते हैं? एक वो है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बात आई तो जिक्र करूंगा, आप कभी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग सफर करने वाले हैं, 500 लोग, 1000 लोग, 2000, 3000, मुझे नहीं पता, सब मेरे जहन में कोई सर्वे नहीं है, ये कोई तादाद नहीं है, इसको देखना चाहिए कितने लोग सफर करते हैं लोकल ट्रेन में, लेकिन इतने सारे लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। आप बताइए, उतने सारे लोगों में एक बड़ी, सब अक्सर ऐसे हैं, 90%, 80%, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे हैं जिनको जन्नत का रास्ता नहीं मालूम, जिनको जन्नत जाने का रास्ता नहीं मालूम है, जहन्नम से बचने का तरीका नहीं मालूम है। मुझे तो मालूम है, मुझे तो पता है, आपको तो पता है, आपके वालिदैन ने आपको बताया, आपके मोहल्ले में, इलाके में उलमाए किराम ने, खुतबाए किराम ने, इमाम साहब ने आपको बताया है कि क्या चीजें आपको जन्नत में ले जाएंगी, क्या चीजें आपको जहन्नम से करीब करती हैं, या क्या चीजें आपको जहन्नम से दूर करती हैं। मुझे तो पता है तो मैं क्यों बेवकूफ बन रहा हूं, मुझे तो पता है तो मैं क्यों दीवाना हूं, मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि क्या चीज मुझे जन्नत में ले जाएगी जहां मैं हमेशा कामयाब रहूंगा, क्या चीजें मुझे जहन्नम में ले जाएंगी जहां मैं हमेशा रोता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, बिलखता रहूंगा, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, कोई रास्ता नहीं, लूप होल नहीं है उधर, जहन्नम में जाने के बाद कोई रास्ता नहीं, कोई रिश्वत नहीं है, कोई रसूख नहीं है, कोई सियासी हैसियत नहीं है, माल की अहमियत नहीं है, रिश्तों की अहमियत नहीं, किसी चीज की कोई चीज मुझे आपको जहन्नम में जाने के बाद अगर हमने अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया है किसी गुनाह की वजह से अगर जाएंगे तो कोई चीज हमें बचा नहीं पाएगी। तो पहली बात तो यह है, इस्तकबाल रमजान के ताल्लुक से पहला नुकता यह था कि हम रमजान की आजमत को पहचाने। रमजान एक साथ एक बात और रहेगी, थोड़ी सी इशारा कर दूं कि रमजान की आजमत की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह कि इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम को रमजान के महीने में नाजिल किया गया, बाबरकत रात में शबे कद्र में नाजिल किया गया। तो रमजान की आजमत से इशारा करूंगा, मौजू नहीं है, लेकिन रमजान की आजमत इसलिए है, उसका मुकाम इसलिए है, उसकी कदर इसलिए है क्योंकि इस महीने में कुरान करीम नाजिल हुआ है। इसमें एक नुक्ते की बात यह है कि हमें समझना है कि अगर रमजान की आजमत है तो वो कुरान की आजमत का साया है, कुरान की आजमत का परतव है, असल आजमत कुरान की है। तो हम जो है रमजान में तो खुशी मनाएं, रमजान में अजर सवाब लूटने की कोशिश करें, रमजान में इबादतों में मेहनत करें, अच्छी बात है, लेकिन हम कुरान को छोड़ क्यों देते हैं? 11 महीने कुरान यतीम क्यों हो जाता है, बेचारा क्यों हो जाता है, उस पर धूल क्यों जमती है, उसे कोई उठाता क्यों नहीं, उसे कोई पढ़ता क्यों नहीं, उसे कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, उस पर अमल करने की कोशिश क्यों नहीं करता, ऐसा क्यों है? हमें अपना मुहासबा करना है। यही बात है, बहुत ज्यादा बातें करने से क्या फायदा, अगर हम छोटी छोटी बातें जो करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं, जो समझना चाहिए हम नहीं समझ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बातें कर लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेंगे, उससे फायदा क्या होगा? तो अब जो महीना आ रहा है ये कुरान का महीना है, कुरान एक मिशन बनाइए, हर मोहल्ले का मिशन होता है, फिर इशारा कर रहा हूँ, हर मोहल्ले का मिशन होता है, जैसे हम खानदगी का मिशन बनाते हैं, लिटरेसी का मिशन बनाते हैं कि मोहल्ले में हर इंसान को पढ़ना आना चाहिए, मैं ये मिशन बनाता हूँ, आप ये मिशन बनाइए कि मुसलमान मोहल्ले के हर मुसलमान को कुरान तजवीद के साथ पढ़ना आना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये मिशन का ये रहे कि हर मुसलमान कुरान पढ़े, हर रोज एक सफ़ा पढ़े, दो सफ़ा, तीन सफ़ा, पांच सफ़ा, आधा पारा, पाव पारा, एक पारा, जितनी तौफीक से अल्लाह तबारक व तआला देता है। लेकिन ये क्या कि कुरान से मोहब्बत के दावे किए जाए, नबी से मोहब्बत के दावे किए जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत के दावे किए जाए और उसका कलाम, उसकी बातें ताक पर रखी रहे,
कोई उठाने वाला ना हो, कोई पढ़ने वाला ना हो, कोई समझने वाला ना हो। मैं मिसाल देता हूँ कि माँ की तरफ से खत आया है, अफसोस यह है कि माँ के बेटे उसे ये मिसाल है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। कुरान एक मैसेज है, नबी मैसेंजर है, पैगंबर है, पहुँचाने वाले हैं। एक खत आया है, मसला बेटे उस खत को पढ़ ही नहीं पा रहे, और जो पढ़ते हैं उनकी अक्सरियत ऐसी है जो उस खत को समझ नहीं पा रही। माँ ने दर्द लिखा है, माँ ने बताया है कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, तुम कामयाब कैसे होगे, कामयाबी के टोटके हैं, कामयाबी के नुस्खे हैं, नाकामी से बचने के नुस्खे हैं। लेकिन मसला यह है कि बेटों का, उम्मत का मसला यह है, मुसलमानों का मसला यह है कि कुरान को पढ़ना ही नहीं आता, जो पढ़ते हैं उनको समझना ही नहीं आता। कुरान में अल्लाह ने जो कुछ लिखा है उसको समझिए, बात छोटी सी है, जो कुछ कुरान में है वो मेरे लिए आपके लिए। अगर मैं नहीं समझ रहा हूं तो कुरान का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। कुरान की जो गरज है, जिसने कुरान उतारा गया है, हम इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करते? बिजनेस के लिए कोशिश है, घर बनाने का टेंशन है, शादी ब्याह का टेंशन है, बेटी की शादी करेंगे और टेंशन, बेटे की शादी करेंगे टेंशन, मेरी बेटी जैसे आपकी बेटी है, आप बेटे दसवीं में है वो टेंशन, बारहवीं में गई उस बोर्ड का इम्तिहान, दसवीं के बोर्ड का इम्तिहान वो टेंशन, आगे क्या पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, कुछ और पढ़ा देंगे, इस्लामी तालीम देंगे, क्या देंगे, ये टेंशन, सब कुछ टेंशन है। लेकिन टेंशन ये नहीं कि बेटी ने आज कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बेटी को कुरान समझ में आता है कि नहीं आता, बेटी कुरान की मालूमात पर, उसकी तालीमात पर अमल करती कि नहीं करती, इसका टेंशन कौन लेगा? ये तो सबसे बड़ा टेंशन है। ये जो दुनिया के टेंशन है दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे, जो दुनिया के टेंशन है, अगर डॉक्टर नहीं बनी, नहीं बनी क्या होगा उसके बाद? तो उसको बेटी को तो बूढ़ा होना ही है ना, बूढ़ा होकर मरेगी, जवानी में मरेगी पता नहीं, बेटा भी बूढ़ा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, जैसे आज हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, ऐसी बेटा भी है। टेंशन कब तक का है? ज़िंदगी भर का टेंशन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि दुनिया में कुछ मत कीजिए, दुनिया में सब कुछ कीजिए, वो एक अलग मौजू है। दुनिया पता कीजिए, दुनिया कमाइए, दुनिया को लूट लीजिए, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाइए, एक मौजू कभी मौका मिला तो उस पर बात हो सकती है। दौलत कमाना इस्लाम में कभी बुरा नहीं है, ज़्यादा दौलत कमाना भी बुरा नहीं, लेकिन दौलत कमाने के चक्कर में इंसान दौलत का गुलाम बन जाए ये गलत है। दौलत को अपनी लौंडी बनाइए लेकिन दौलत का गुलाम मत बनिए। तो बहरहाल ये कि एक बात ये अजमत ये सब बिठाइए अपने दिमाग में, बच्चों के दिमाग में डालिए कि रमज़ान की अजमत क्या है, घर की ख़वातीन के दिलों में रमज़ान की अजमत क्या है। एक बात ये, इसको कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है जो नबी की सुन्नत है और वो अजमत का ही एक छोटा सा हिस्सा है। एक सही हदीस है, बहुत सारी किताबों में, मुस्नद अहमद में है और दीगर किताबों में, हदीस सही है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबश्शिरु असहाबहू अपने सहाबे कराम को खुशखबरी देते थे। युबश्शिरु असहाबहू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे कराम को खुशखबरी देते थे। क्या फरमाते थे? कद जाअकुम रमज़ान, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है, शहरुल मुबारक, ये बरकतों वाला महीना है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है, और इसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार रात से बेहतर है, और जो रमज़ान की बरकतों से महरूम रहा सबसे बड़ा महरूम वही है। ये खुशखबरी का महीना है, खुश बताइए। मैं सिर्फ ये देखिए, बच्चे को मैं, बच्चों में ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, तो हम तो बड़े हो गए, जो अच्छा बुरा बनना था एक हद तक बन जाता है, बहुत मुश्किल होता है कि बुढ़ापे में इंसान को ठीक किया जा सके, इसका इनकार नहीं है, कोशिशें होनी चाहिए, और सहाबे किराम में इनकलाब आया है बुढ़ापे में भी। लेकिन ये कि बच्चे अभी नई पौध हैं, छोटे हैं, लचकदार हैं, बहुत कुछ, अगर हमने बच्चों को रमज़ान की अजमत नहीं बताई, रमज़ान आने की खुशी का इजहार, अगर आप टेंशन में हैं रमज़ान की वजह से, तो बच्चा क्या देखेगा कि अब्बा टेंशन में है रमज़ान आने से। रमज़ान आने का टेंशन मत बताइए, रमज़ान में इतना खुश होइए, रमज़ान का इतना जिक्र कीजिए, उसकी बरकतों का, रहमतों का, उसकी अजमतों का इतना जिक्र कीजिए कि बच्चा खुश हो जाए, बच्चे को लगे कि कोई बड़ी चीज़ आने वाली, कोई अनोखी चीज़, दुनिया से अलग कोई चीज़ आने वाली है। इतना ज़्यादा घर में रमज़ान का तज़किरा कीजिए, और ये कोई अपनी तरफ से नहीं है, युबश्शिरु असहाबहू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे, बताते थे, इजहार करते थे, आने वाला है बरकतों का महीना, उसकी अजमतें बताते थे। तो ये मौका है कि अजमतें बताई जाए, बच्चों के दिलों में बिठाई जाए, ख्वातीन को बताई जाए। तीसरा पॉइंट ये है
कि हमें रमज़ान को सोचकर कुछ दुआएं करनी चाहिए। कौन सी दुआ करनी चाहिए? पहली दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान तक पहुंचा दे, क्योंकि अभी तो टाइम बाकी है। आमीन। अभी वक्त बाकी, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे इबादत का मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और दूसरी दुआ। लेकिन पहली दुआ ये कि अल्लाह ताला से दुआ करना कि इबादत का मौका दे। देखिए एक छोटी सी बात आपको समझने के लिए, इल्मी बात या आम सी बात है भी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें हैं, एक तो अर्दले उम्र से पनाह मांगी, आदमी खुद से बूढ़ा हो जाए, दूसरों का मोहताज हो जाए, इससे नबी ने पनाह मांगी कि ऐसा बुढ़ापा ना आए। लेकिन जब तक अल्लाह का ज़िंदगी दे, सेहत के साथ दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, लेकिन इताअत के साथ, नेकियों के साथ, हम दुनिया देख के जाएं, ये ख्वाहिश सही है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि लंबी उम्र पाए तो ख्वाहिश बुरी नहीं है, लेकिन इताअत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, किसी की मोहताजगी के साथ नहीं, गुनाहों के साथ नहीं। अगर तंदुरुस्ती के साथ और नेकियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला लंबी ज़िंदगी दे तो अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा। क्योंकि एक हदीस का मफहूम है, लंबा वाक्य है, मैं इसे इशारा कर रहा हूँ कि अगर आपको रमज़ान, अगला रमज़ान मिला, जैसे दोनों एक साथ पैदा हुए, इसे इशारा समझने के लिए हदीस में ऐसे ही आया है, इशारा कर रहा हूँ मफहूम पूरा, कि दो लोग एक साथ पैदा हुए और एक इंसान का इंतकाल आज हो गया और एक दूसरे उसके दोस्त ने अगला ये आने वाला रमज़ान पाया, तो उसका मुकाम ज़्यादा होगा जन्नत में। दो रमज़ान पाया थी, जितनी ज़्यादा इबादतें करेंगे, उसको समझिए अल्लाह ने हदीस में ऐसे बयान किया है कि अगर जितना ज़्यादा उसको लंबी उम्र मिलेगी, जितनी ज़्यादा इबादतें करेगा, रमज़ान के रोज़े रखेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, नमाज की अदायगी करेगा, तरावी पढ़ेगा, तमाम नेकियाँ करेगा, तो जन्नत में उसका मुकाम ज़्यादा होगा। ठीक है, और शर्तें हैं, नीयतों का फ़र्क है, तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन ज़्यादा नेकियाँ करने से, ज़्यादा इबादत करने से उसको जन्नत में मुकाम ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला, ये रहमतों का महीना सामने है, बरकतों का महीना सामने है, तेरी रहमतों के दहाने खुलने वाले हैं, मुझे पहुँचा के वहाँ तक, सलफ से साबित है ये दुआएं इस तरह की। दूसरी दुआ ये करना कि देखिए रमज़ान मिल जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में इबादत की तौफीक दे। चाय की दुकान पर ना बिठाना, पान बीड़ी में मत लगाना, कैरम में मत लगाना, ताश में मत लगाना, सीरियल में मत लगाना, यहाँ वहाँ की गुफ्तगू में, गप्पों में मत लगाना। अल्लाह तबारक व तआला, तेरा वो महीना कीमती महीना है, अनमोल है, बेशबहा है, उसका कोई मोल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला, मेरी सांसें अपनी इबादत में लगाना, मेरे तमाम लम्हात अपनी इबादत में लगाना, मुझे कुरान की तिलावत की तौफीक देना, मुझे नमाज पढ़ने की, तरावी पढ़ने की तौफीक देना, जिक्र अज़कार की तौफीक देना। ये दिल से मांगिए, लोगों के सामने बोलने से फ़ायदा नहीं, सिर्फ सोचने से फ़ायदा नहीं, मांगिए। दुआ के ताल्लुक से तो एक बात कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ और लोग भी कहते हैं कि दुआ तो ऐसे मांगिए जैसे एक बच्चे को, हम अपने बच्चे को बाजार में ले जाते हैं, बच्चा कोई खिलौना देख लेता है, उसका दिल चाहता है खिलौना ले, लेकिन माँ बाप उसको दिलाना नहीं चाहते, बच्चा ज़मीन में लौट जाता है, रोने लगता, जब तक दिलाओगे नहीं जाऊँगा नहीं, रब तेरा दर्द तो उससे ज़्यादा रहम वाला है, रब दे दे मुझे, आज रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तेरे सामने हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, इस्यानकार हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन तेरा बंदा हूँ, दे दे रहा हूँ। गिड़गिड़ा के मारेंगे, वो तो रहमतों वाला है, उसकी रहमत तो माओ से ज़्यादा है, वो क्यों नहीं देगा हमें? तो मांग के तो देखिए, मांगिए अल्लाह तबारक व तआला से, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ, अकेले में। रब से तो हर सौदा किया जा सकता है। और देखिए कभी कभी आपके दिल में बात आती हो, कभी मेरे दिल में बात आती है कि अल्लाह ताला मेरे दिल की बात जानता है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे लोग तो पता नहीं क्या समझ जाते हैं, बोलता कुछ हूँ, समझता कुछ इंसान और है, मैं उसके साथ नेकियां अच्छा ही करना चाहता हूँ, समझता मेरे साथ, मैं उसके साथ बुराई करता हूँ, भी क्योंकि मेरे दिल में क्या चल रहा है वो इंसान नहीं जान पाता, तो गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। रब के अल्लाह ताला, इससे मुझे इत्मीनान मिलता है कि अल्लाह ताला को मेरे दिल की बातें पता, मैं जैसा हूँ अल्लाह ताला को पता है, कितनी नेकियां कर रहा हूँ, कितने गुनाह कर रहा हूँ, कैसा हूँ, मुझे छुपाना छुपा ही नहीं सकता, और वो जानता है मेरी कमजोरियाँ, जानता है मैं कितना कमज़ोर हूँ, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरा परवरदिगार जानता है। तो उसी एतबार से उसका मेरा तआमुल उसका मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरी कमज़ोरियाँ जानता है। लोग समझते हैं कि आदमी मजबूत है, लेकिन मैं कितना कमज़ोर हूँ वो मेरा रब जानता है, मेरा रब मेरी कमज़ोरी जानता है, तो उसी तरह उसका तआमुल उसके मेरे साथ होगा।
दुनिया में भी और आखिरत में। बहरहाल ये कह रहा था कि तौफीक अल्लाह ताला से इबादत की तौफीक ये बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि मौका तो सबको मिलेगा, एक महीना सबके साथ आएगा, लेकिन हम महीना गुजारेंगे कैसे ये बात अहम है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। हम में से बहुत सारे लोग, एक बात और कह दो इसी में जो मैं कह देता हूँ, कि अगर आपको सिर्फ जागना है तो उससे अच्छा है सो जाइए। ये सब प्रैक्टिकल बात। अगर आपको आपको लगता है कि रमज़ान की रातें जागने के लिए हैं, घूमने के लिए हैं, चाय खाने में बैठने के लिए हैं, तो उससे बेहतर ये है, उससे बेहतर है कि आप घर में आके सो जाओ। वो सोना ज़्यादा फायदेमंद है शरीयत के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से, वो बाहर बैठने से। तो रमज़ान को जागने का बहाना मत बनाइए, रमज़ान को वक्त गुजारी का बहाना मत बनाइए। इबादत करना है तो ठीक है जागिए, इबादत नहीं करना है, लोगों के साथ दोस्तों के साथ गुफ्तगू करनी है, तो वहीं पर स्टॉप कीजिए, घर आ जाइए सो जाइए। कम से कम सोने का फ़ायदा ये होगा, सुबह उठेंगे तो फजर की नमाज़ अच्छे से पढ़ो, फजर की नमाज में आपका सर बोझल नहीं रहे, कम से कम ये फ़ायदा तो रहेगा। तो दूसरी बात, दूसरी दुआ ये करनी है। तीसरी दुआ ये करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो टूटी फूटी इबादतें हमसे हो पाएंगी, अल्लाह तबारक व तआला को उसे कबूल कर ले। ये अहम बात है, तफसील नहीं करेंगे, बातें बहुत सारी बयान करना है। चौथी बात ये है कि ये दुआ करना अभी से कि अल्लाह तबारक व तआला जो इबादतें मुझसे रमज़ान में हो पाएंगी, जो इबादतें मुझसे रमज़ान में हो पाएंगी, रमज़ान के बाद भी वो चीज़ें मुझसे हो पाएँ, मैं रमज़ान के बाद भी वैसा ही या कुछ हिस्सा कम से कम वैसा रहूं जैसा मैं रमज़ान में था। ऐसा ना हो कि रमज़ान में तो मैं नमाज़ें पढ़ता था, रमज़ान गुजरने के बाद मैं नमाज़ें छोड़ दूं, ऐसा नहीं। रमज़ान में मैं कुरान करीम की तिलावत करता था, रमज़ान जाने के बाद मैं कुरान करीम की तिलावत छोड़ दूं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना बना। अपनी रहमतों से नमाज के, अपनी बरकतों से नमाज के, अपनी तौफीक से नमाज के दोबारा मुझे महरूम ना कर दे। ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना, मांगना। आगे चलते हैं, इस्तकबाल रमज़ान के ताल्लुक से एक नुक्ता जहन में ये है कि इंसान गुनाहों से तौबा करे। एक अच्छा महीना आने वाला है, एक फजीलत वाला महीना आने वाला है, हम क्या ये नहीं चाहते कि गुनाहों से पाक साफ होकर उस महीने का इस्तकबाल करें? हम ये क्यों चाहते हैं कि गंदे कपड़ों के साथ, गंदे दिल के साथ, गंदे जज्बात के साथ हम रमज़ान का, बाबरकत महीने का इस्तकबाल करें? नहीं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रमज़ान आने से पहले भी तौबा करें, ताकि जब रमज़ान में दाखिल हों तो पूरे पाक और साफ होकर, या अपनी कोशिश करें कम से कम। ये हम दावा तो नहीं कर सकते कि हमारे गुनाह ख़त्म हुए नहीं हुए, अल्लाह ताला ने माफ़ किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम ये उम्मीद तो रख सकते हैं रब करीम से कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। एक बहुत हदीस, एक प्यारी हदीस सुना के आज बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, बहुत प्यारी हदीस है, अनस मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, सुन तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ इंसान, इन्नका मा दअउतनी व रजउतनी गफरतु लका व अला मा काना फीका वला हुवा। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ इब्न आदम, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा, जब तक तू मुझसे उम्मीद बांधता रहेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा जो बुराइयाँ तेरे अंदर उसके साथ, जो भी गुनाह करता है मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। और रब ने फरमाया, वला उबाली, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं। रब को कौन दबा सकता है, रब को कौन मजबूर कर सकता है? वो अपनी बंदे, अपने बंदे को नवाजना चाहता है, अपनी बंदियों को को माफ़ करना चाहता है, उनको बख्शना चाहता है, कौन रोक सकता है? ये सही हदीस हमें बता रही, उम्मीद दिलाती है। गुनहगार बहुत हैं, खताकार बहुत हैं, बहुत सारे दामन में कांटे हैं, लेकिन रब की रहमत से उम्मीद है कि रब ने कहा वला उबाली, कितना भी गुनाह लेके आएगा मैं तुझे माफ़ करूँगा, वला उबाली, मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। आगे देखिए हदीस में क्या कहा गया, यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को पहुंच जाए, सुमस्तगफरतनी गफरतु लक, उसके बाद तुम मुझसे बख्शिश चाहे, मुझसे माफ़ी चाहे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, गफरतु लक वला उबाली, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। आसमान भर गुनाह लेके आएगा, 99 कत्ल करके आएगा, मैं तुझे माफ़ करूँगा।
ये अल्लाह ताला का वादा है, लेकिन तौहीद के साथ आगे बात आ रही है। आगे फरमाया, यबना आदम, ऐ आदम की औलाद, इन्नका लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्ध खताया थुम्मा लकीतनी ला तुशरिकु बी शैआ लआतैतुका बिकुराबिहा मग़फिरा। क्या ऐ आदम की औलाद, अगर तू जमीन भर के गुनाह लेके आएगा, जमीन भर के गुनाह लेके आएगा, फिर तू मुझसे मुलाकात करेगा, मेरे दरबार में आएगा, क़यामत के दिन लोगों के सामने में पेश होगा, शर्त ये है। और अहले हदीस खुश हो जाए, अहले हदीस खुश हो जाए, क्योंकि हम इंशाअल्लाह ऐसे हैं, क्योंकि हदीस में ये कहा गया, ला तुशरिकु बी शैआ, तू मेरे साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं रहेगा, खबर पूछने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को फरियाद रसी के लिए पुकारने वाला नहीं रहेगा, मांगेगा तो सिर्फ अल्लाह से मांगेगा, कसम खाएगा तो सिर्फ अल्लाह की कसम खाएगा। अगर ये बात, इस बात का दावा है कि गैब कोई जानता है, तो इस बात का दावा सिर्फ रखेगा कि अल्लाह ताला गैब जानता है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी शख्स गैब नहीं जानता। ये तमाम बातें इशारा काफ़ी है। अगर तौहीद वाला है, तौहीद पे चलने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फिरा, मैं ज़मीन भर की तुझे मग़फ़िरत दूंगा, ज़मीन भर की तुझे माफ़ी दूंगा। तो एक बात तो ये है कि हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, गुनाहों से डरना, एक बात ये भी कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला भी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अज़ुल इंतकाम भी है, इंतकाम लेने पे आ जाए, गज़बनाक हो जाए, तो छोटी सी बात पर इंसान को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। और कब तक जहन्नम में हम रहेंगे हमें नहीं पता। जैसे मैंने शुरू में इशारा किया, एक उंगली कट जाए बर्दाश्त नहीं है, एक उंगली जल जाए बर्दाश्त नहीं है, सालों साल की मुसीबतें कैसे, या सैकड़ों साल की मुसीबतें, ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारे एक गुनाह की वजह से हम हज़ारों साल जहन्नम में चलें। अलग बात है कि ईमान लाने की वजह से, साहिब ईमान होने की वजह से अपनी सजा काट कर दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक गुनाह की वजह से इंसान हज़ारों साल जहन्नम में सजा काटे, जले। तो क्यों अपने आप को हम जहन्नम में झोंकें, क्यों ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में जाए। लेकिन अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगना एक अहम पॉइंट ये था। एक पॉइंट ये है इस्तिक़बाले रमज़ान के ताल्लुक़ से कि ये रमज़ान बहुत बहुत बड़ी नेमत है। रमज़ान करीम, उसकी बरकतें, उसकी रहमतें, उस पर की जाने वाली इबादतें हकीकत में हमारे लिए नेमत हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करें, अभी से दिल में शुक्र रहे कि अल्लाह तबारक व तआला को कुछ तौफीक मिलेगी वो तेरा शुक्रिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी कुव्वत के बगैर, तेरी तौफीक के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में, वही तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, कि तुम्हारे परवरदिगार ने फरमान जारी किया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें मजीद दूंगा, मजीद तौफीक। इबादत की तौफीक सबसे बड़ी नेमत, उसको समझिए, इसीलिए मत समझिए कि खाना ही नेमत है, दौलत ही नेमत है, घर ही नेमत है, ये नेमतें छोटी हैं इबादत की तौफीक के सामने। अगर किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बनाया है, नमाज पढ़ता है, नमाज की तौफीक दी है, रोज़ा रखने की तौफीक दी है, गुनाहों से बचने की तौफीक दी है, तो ये तौफीक दुनिया की तमाम दौलतों से बड़ी है। दुनिया की तमाम दौलत उसके सामने हेच है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मज़ीद तौफीक दूँगा, ना शुक्री करोगे कम कर दूँगा, घटा दूँगा। तो इसलिए इसी तरह एक हदीस आती, सही हदीस लिखी हुई है, इशारा कर देता हूँ कि नबी ने फरमाया कि इंसान जब एक बंदा जो है एक लुकमा खाता है उस पर अल्लाह की तारीफ़ करता है, एक घूंट पानी पीता उस पर भी अल्लाह ताला की तारीफ़ करता है। तो साहिब ईमान ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का शुक्रिया हर बात पे करता है, कभी भी ये घमंड, असल में इशारा ये करता था, कभी भी ये घमंड ना पैदा होने पाए शैतान की तरफ से। इब्लीस की चालों में से एक बड़ी चाल ये है कि जो इबादत कर रहा हूँ मैं नेक हूँ, मैं बहुत तहज्जुद गुजार हूँ। अरे एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं कह दूँ, देखिए अभी रमज़ान के महीने में आपके सामने मस्जिदों में ऐसे लोग आएंगे जो पहले नहीं आते थे, ऐसे लोग रोज़ा रखेंगे जो आपके साथ पहले नहीं थे। कभी कभी हमारा बयानिया ये होता, बयान करने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ ये होता कि हम तानो तशनी करते, ऐसा नहीं करना। कोई भी एक शख्स अगर रमज़ान से पहले नमाज में नहीं आता, आज आ रहा है ना, महीने भर आ रहा, आने दो भाई उसे। हो सकता है कि रमज़ान में नमाज पढ़ने की वजह से दिल लग जाए, किसी की बात सुन ले, कुरान की कोई आयत सुन ले, कोई अदा, हम मुसलमानों की कोई अदा उस मुसलमान को भा जाए कि कितने अच्छे लोग हैं जो मेरा साथ देने वाले, मुझे नेकी की तरफ बुलाने वाले हैं, गुनाहों से बचाने वाले हैं,
लेकिन नहीं, हमारा माहौल ये बन जाए कि ये देखो दो दिन के नमाजी आए हैं, सामने मुंह पे बोल दे दो दिन के नमाजी आज हैं कल चले जाएंगे, दिल टूट जाएगा, दोबारा नहीं आए। लाजिम नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है। तो सोचे कि नहीं आता भाई, दो दिन में नहीं आता रमजान में, तुम तो बोलते हो ना रमजान में भी नहीं आता हूं, नहीं आता जाओ क्या तुम लोग, वो तो पहले से भी नहीं आता था। तो ये जो है दावत का, तबलीग का, समझाने का ये अंदाज की तानो तशनी की जाए, चुटकी ली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आ रहा है आने दो, रब की रहमत को बहाना चाहिए। कब रब की रहमत होगी मुझे क्या पता, आपको क्या पता, कब वो पलट जाएगा, कब वो आपसे बड़ा दीनदार बन जाएगा, उसका मुकाम कब जन्नत में आपसे ज्यादा ऊंचा होगा, मुझे आपको नहीं पता। तो जो आता है उसको आने दो। हम तो लोगों को खींच खींच के लाते हैं, बहाने बहाने से लाते हैं। नबी की दावत तो यही है, अंबिया कराम की दावत यही है। अबू तालिब से क्या कहा नबी ने, मेरे कान में कह दीजिए एक दफा कान में। जिंदगी भर तो ईमान नहीं लाया ना, कभी नमाज तो नहीं पढ़े, नमाज तमाम चीजें नहीं की। नबी ने सिर्फ बहाना चाहा, कान में कह दो मैं कलिमत हाजु बिहा इंदल्लाह। नबी ने कहा तुम एक जुमला कह दो, मैं अल्लाह ताला से तर्जुमा में थोड़ा सा बढ़ा के कह रहा हूं लेकिन लड़ जाऊंगा मैं, हुज्जत तमाम मैं अल्लाह ताला के सामने हुज्जत रखूंगा, मैं लड़ जाऊंगा अल्लाह, सिर्फ एक जुमला कह दीजिए। तो नबी तो बहाना तलाश कर रहे हैं, कैसे एक गैर ईमान वाला ईमान में दाखिल हो जाए, कैसे वो जन्नत में आ जाए, कैसे वो जहन्नम से बच जाए। और हम ये जो है जो दीनदार अपने आप को समझता है वो बहुत दीनदार है, नमाजी है, परहेजगार है, वो ऐसे बंदों को जो शैतान की चालों में है, शैतान के जालों में है, हम उसको दूर करना चाहते, तो ये तरीका बहरहाल सही नहीं है। तो ये नेमत की शुक्रगुजारी करना ये एक अहम नुक्ता था। उसके बाद एक नुक्ता ये है रमज़ान के इस्तकबाल के ताल्लुक से, जो अभी से सोचना है कि हमारी नीयतें रमज़ान की इबादतों के ताल्लुक से खालिस हों। आप ये सोचें कि आप एक आयत पहले आपको सुना देता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि उनको हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की इबादत करें, दीन को इबादत को उसके साथ खालिस करते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। आप अपने दिल से कभी पूछिए, हम पूछते ही नहीं, पूछिए कि आप रमज़ान में रोज़ा क्यों रख रहे हैं। हर इंसान पूछिए अपने आप से क्यों रखते हैं रोज़ा, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के डर से, नहीं रखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये नीयत आपकी ठीक नहीं है। यानी इसलिए रोज़ा रखते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपने आप को दीनदार जाहिर करने के लिए। क्या मकसद है, मैं किसी पर जो है आयत नहीं लगा रहा, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, इंशाल्लाह हम तमाम लोगों की नीयतें अल्लाह ताला के लिए हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने दिल का मुहासबा करना, टटोलना, इबादत से पहले भी, इबादत करते वक्त भी, इबादत के बाद भी, तीनों मौके पर टटोलना। मैं नमाज के लिए मस्जिद से निकला हूँ, क्यों निकला हूँ, अल्लाह के लिए या लोगों के लिए, बीवी ने धक्का लात मारी इसलिए निकला हूँ, बीवी बोले जाओ 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 नमाज पढ़ो इसलिए निकला हूँ, नहीं अपनी मर्जी से निकला हूँ, मोहल्ले वालों के डर से, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, क्या इसलिए निकला हूँ। तो नमाज में जाने से पहले सोचिए मैं नमाज के लिए क्यों निकला हूँ, नमाज पढ़ते वक्त सोचिए कि मैं लोगों को दिखाने के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, अपने रब को राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहा, और नमाज पढ़ने के बाद भी यही सोच रहे उसका दिखावा मत कीजिए। बाद लोग ये कहते हैं बहाने बहाने से, अब ये कहना है कि उमरा करके आए हैं तो डायरेक्ट ये नहीं कहते कि उमरा करके आए, मैं गया था देखिए मैं ये लेके आया था, फिर बाद में कहते कि मैं उमरा करने गया था, तो ये भी बात है। अब मैं आपकी दिल की बात नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा कुछ दिल में है तो उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत कीमती इबादत मिली, आपकी इबादत बहुत कीमती सरमाया है, उसको अपनी बदनीयती से, दिखावे से, रिया से, किसी और चीज़ से उसे बर्बाद मत कीजिए। जो मिला है अपने लिए रखिए, जैसे आप सोना दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कैसे छुपके से रखते हैं, छुपा के एकदम, अगर किसी ने पेमेंट किया 10 लाख का पेमेंट है तो क्या ऐसे घुमाते हुए लेके आएंगे, एकदम बैग में पैक करके आराम से कहीं अच्छे से लेके आएंगे, कोई देख ना ले। तो अपनी इबादतें भी ऐसी हैं, कहीं कहीं ठीक है वो अपनी मसलाते हैं, कहीं कहीं इबादत साहिब करने का एक मौका है, लेकिन अभी फिलहाल उस पर बात नहीं है। लेकिन असल ये है इबादत में कि जैसे दौलत को छुपाते हैं हम लोग, इसी तरह अपनी इबादतें लोगों की नजरों से, लोगों की निगाहों से छुपाएं। मैं रब के लिए कर रहा हूँ, मेरा मकसद जन्नत का हुसूल है, जन्नत पाना है, जहन्नम से बचना है, लोगों को दिखाना नहीं, मैं दीन, लोग मुझे दीनदार समझते। बात पे बात याद आती है, देखिए उधर क्या होगा इधर क्या है, दोनों अलग हो सकता है। एक मशहूर वाकया है, सिर्फ इशारा कर दूँ, जहन में आ गया, इशारा कर देता हूँ, जो वो वाकया बयान किया जाता है कि वो बच्चे जिन्होंने बचपन में गुफ्तगू की
तो उसमें एक वाक्य ये भी जिक्र किया जाता, सही हदीस है, एक वाक्य ये भी उसमें कि एक बच्चा दूध, माँ का दूध पी रहा था, तो वहां से एक लौंडी को लेके गए, मारते पीटते ये वो करते हैं, चोर 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 चोर। तो माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को इस तरह मत बनाना। तो बच्चे ने फौरन जो है मुंह हटाया, कहा कि अल्लाह ताला मुझे इसकी तरह बना। फिर एक आदमी की चालो शौकत के साथ गया, तो माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को इस तरह बनाना। बच्चे ने कहा कि मुझे इस तरह मत बनाना, क्योंकि जो दुनिया में दिख रहा है साहिब इज्जत, जरूरी नहीं कि वहां साहिब इज्जत हो, वो साहिब जिद्दत भी हो सकता है। जो यहाँ अजीज है वहां जलील भी हो सकता है, और जो यहाँ जलील है वहां अजीज भी हो सकता है। तो इसलिए दिखावा नहीं, जो इबादतें अल्लाह के लिए, टूटी फूटी कैसी भी हो रही है अल्लाह के लिए हो रही है, तो ये बात जरूरी है कि हम नीयतों को खालिस करें। उसके बाद एक अहम नुकता इस्तकबाल के ताल्लुक से ये है कि हम रमजान की प्लानिंग करें। रमजान की प्लानिंग कैसे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, कितना कुरान पढ़ पाएंगे, तरावी की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कैसे बिजनेस को सेटअप करेंगे, नौकरी की टाइमिंग को कैसे सेट करेंगे, मेरी तरावी किस मस्जिद में हो पाएगी, मैं कब निकल पाऊंगा, तमाम जैसे और अवकात में भी करना चाहिए, लेकिन रमजान में खसूसी तौर पर मैं कुरान की तिलावत कैसे करूंगा, कितना करूंगा, जिक्र असकार का मौका क्या होगा, सदका खैरात कैसे करूंगा। सदका खैरात लोगों में बांटना है, उसके पहले से मैं जो है अरेंजमेंट करके रखूँ कि लोगों में तकसीम करूंगा, क्योंकि सदके की फजीलत रमजान में। ये तमाम बातें जैसे हम किसी ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, कोई पिकनिक है, किसी कोई ट्रिप है, सफर है, उसकी प्लानिंग करते हैं, इसी तरह रमजान एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, बहुत अहम मौका आने वाला है, अजीम शान चीज़ आने वाली है। पहले से हम हर एतबार से उसकी तैयारी, कुरान कहाँ है, और चीज़ें कहाँ हैं, ये तमाम बातें हमें करना चाहिए। दीनी एतबार से बात करो, आगे दूसरी बातें भी हैं। आगे बढ़ते एक पॉइंट ये है जो हमें रमजान से पहले करना है कि रोज़ों की कदा। अगर किसी के रोज़े छूटे हुए हैं, बचे हुए हैं, रोज़ा नहीं रख सका ना पिछले रमज़ान का, या नजर का रोज़ा बाकी है, रमज़ान का रोज़ा बाकी है, कोई भी वाजिब रोज़ा खास तौर से रमज़ान का, तो अगले रमज़ान आने से पहले उसे पूरा करें। आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की मशहूर हदीस है, वो कहती हैं कि मैं मेरे रमज़ान के रोज़े छूटे हुए होते थे और अल्लाह के रसूल की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रमज़ान के रोज़े जो है वो शाबान में रख पाती थी। लेकिन ये तरीका आयशा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा का तरीका था कि वो शाबान में रोज़ा रख लेती थी, अगले रमज़ान को आने नहीं देती। तो एक बात अहम ये है कि अगर किसी के, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से रोज़े छूटे हुए हैं, रोज़े छूटे हुए हैं, तो वो अगला रमज़ान जो आने वाला उससे पहले अपने रोज़ों की कदा कर ले। कुछ और बातें प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और छोटी सी है लेकिन हमें करना चाहिए कि जैसे रमज़ान में खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इशारा कर देता हूँ कि खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, उसके बाद ईद की शॉपिंग होती है। मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि रमज़ान की जो कुछ आपको शॉपिंग करनी है या ईद की जो कुछ आपको शॉपिंग करनी है, चाहे खाने की हो, कपड़े की, किसी भी चीज़ की, कोशिश ये कीजिए, ऐसा प्लान कीजिए कि आप रमज़ान से पहले कर लें। रमज़ान में आप फुर्सत में रहें, सिर्फ इबादत करें, जो कुछ आप कर सकते हैं हम कर सकते हैं, प्लानिंग करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा वक्त दें, तो हम कर सकते हैं। मकसद ये है कि रमज़ान से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। छोटा सा तरीका यह है कि आप रमज़ान से पहले जो कुछ आप लिस्ट बनाएंगे, अगर आप घर वाले हैं, बीवी के साथ बैठिए, क्या लाना है, तमाम चीज़ें लिख लीजिए और जो कुछ है उसके बाद कोशिश कीजिए रमज़ान से पहले ले आइए। वरना क्या होगा, मर्द जो है वो बाजार करता है, औरतें भी बाजार करती हैं, उसके बाद औरतें घर में सिर्फ आइटम बनाती, खाना बनाती, आज ये बनना, आज वो बनना, इसमें भी कमी कीजिए। और रमज़ान इबादत का महीना है, उसको इबादत में गुजारिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और चीज़ है के दो तरह के लुटेरों से होशियार रहिए, दो तरह के, उसमें और भी लुटेरे हैं लेकिन दो तरह के लुटेरों से होशियार रहिए। एक लुटेरे क्या हैं जो मैंने इशारा कर दिया है लेकिन दोबारा दोहरा देता हूं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट्स, ये वो जो कुछ इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा वक्त खाते हैं, पूरी तरह हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, बल्कि लोगों को नींद से भी महरूम कर देते हैं। ये चोर हैं जो हमारी इबादतें चुरा लेते हैं, ये लुटेरे हैं जो लूट लेते हैं। अब कम से कम रमजान में इन लुटेरों को बंद कर दीजिए। बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। टीवी है निकाह और करते हैं करने वाले, मैं नाम बता सकता हूँ, अपने खानदान बता सकता हूँ, फलाना आदमी ऐसा करता है, टीवी बंद कर देते, खत्म,
निकाल दिया बाहर, खत्म, टीवी नहीं देखेंगे रमजान में। अब्बा ने करके रखा तो बच्चे चला रहे, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बच्चों के बच्चों, लेकिन चल रहा है उस घर में, जिस घर का मैं तस्वुर मेरे जहन में है, चल रहा है। रमजान आता टीवी बंद, रमजान आया नेट निकाल दो, वाईफाई निकाल दो, खत्म, बंद। अगर रमजान आया बहुत जरूरी ना हो तो आप जो मोबाइल डेटा भी मत भरवाओ, तरीका यही, क्योंकि अब रखे रहेगा चलते रहेगा तो नहीं बच पाओगे। जितना हो सकता है अपने कम से कम रमजान में जितने भी डिस्ट्रेक्शंस हैं आपके जो बर्बाद कर सकते हैं उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो आप कर सकते हैं, टीवी आप बंद कर सकते हैं हमेशा कनेक्शन, रमजान में कम से कम अगर किसी का है तो निकाल सकते हैं, वाईफाई निकाल सकते हैं, कुछ और चीजें पाबंदी लगा सकते हैं, कुछ पाबंदी। तो इन चोरों से अपनी इबादतों को बचाइए, उसमें जो मैंने इशारा कर दिया केरम खेलते हैं ताश अपना 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 तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाएं। एक बात कि एक तरह के लुटेरे हैं, दूसरे तरह के लुटेरे कौन हैं? मशहूर हदीस है, आपने सुना भी होगा, इशारा कर देता हूँ, बोल देता हूँ हदीस ताकि जहन में रहे। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया सहाबे कराम से, अतदरूना मन मुफ्लिस, क्या तुम जानते हो कि मेरी उम्मत का कल्लाश कौन है? साहब इकराम ने कहा कि कल्लाश हुए हम में, मल्ला दिरहम ना हो वला दीनार, जिसके पास दीनार ना हो दिरहम ना हो और मालो मता मता वला मता मालो मता ना हो, वो कल्लाश है, गरीब है वो। नबी ने कहा कि इन्नल मुफ्लिस मिन उम्मती, देखिए गौर से सुनिएगा, ये हम सब के लिए और बहुत सारे मौके के लिए। नबी ने कहा कि मेरी उम्मत का गरीब वो है, मेरी उम्मत का जो क़यामत के दिन आएगा नमाजें लेकर, गौर से सुनिएगा, जो क़यामत के दिन आएगा नमाजें लेकर, वह सियामिन रोज़े लेकर, वह ज़कातिन ज़कात लेकर, यानी उसने नमाजें पढ़ी होगी पांच वक्त का पक्का नमाजी, रमज़ान के रोज़े रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला, लेकिन उसने क्या किया होगा, कद शतम हादा, किसी को गाली दी होगी, वह कदा महादा, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, वह अखन माल हादा, किसी का माल हड़प किया होगा, हराम तरीके से खाया होगा, वह सफ़का दमा हाजा, किसी का खून ज़ाय किया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, किसी की जान ली होगी, वज़ारा महादा, किसी को मारा होगा। इसमें और बिना लीजिए जो हदीस में नहीं है, इस हदीस में किसी की गीबत की होगी, चुगली की होगी, ये सब, लेकिन है नमाजी, नमाज कोई छूटी नहीं है, रोज़ा कोई छूटा नहीं है, ज़कात भी अदा की उसने, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ आएगा तो नबी ने हदीस सुन लीजिए, नबी ने क्या कहा, फ़यूरता हादा मिन हसनाती ही व हादा मिन हसनाती ही, अगर इसको मारा था मेरी नेकी उसको दी जाएगी, इसको गाली दिया था मेरी नेकी उसको दी जाएगी, फिर अब मैंने जो नेकी की थी, मैं हाजी मशहूर था, नमाजी मशहूर था, दीनदार परहेजगार तहज्जुद गुजार मशहूर था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं बेवकूफ़ हुआ कि नहीं हुआ, मैं सुबह से शाम तक काम करूँ मुझे दहाड़ी ना मिली, मैं बिजनेस में दिमाग लगाऊं, दिमाग पच्ची करूं, दिमाग सोजी करूं और मुझे एक रुपये का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? तो ये कैसा सौदा होगा कि मैं नमाज तो मेहनत तो मैं करूं, समझिए इसको, मेहनत तो मैं करूं, सुबह मैं उठूं और ठंडी में, जहां यूपी और दिल्ली का मसला, ठंडी में वजू मैं करूं, परेशान मैं हूं, पांच वक्त के लिए मैं मस्जिद में तशरीफ ले जाऊं और उसके बाद मेरी नेकियां वो ले जाए जिनको मैंने गाली दी। रमजान में बैठ के चुगली करोगे, समझ सुन लो यही बात है कहने की, रमजान में बैठ के चुगली करोगे रोजा निकल जाए, रोजा बजाहिर तो रखोगे लेकिन उसका पेमेंट जो है वो चुगली जिसकी कर रहे हो उसको मिलेगा, पेमेंट तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, अजर सवाब तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे अकाउंट से, तुम्हारे बैलेंस से निकल कर उस आदमी के अकाउंट में जाएगा जिसके तुमने मारा था, गाली दी थी, चुगली की थी, जो भी सताया था, परेशान किया था किसी भी तरह से। आगे देखिए, नबी ने कहा कि नेकियां दे दी जाएंगी, फ़ैन फ़नियत हसनात हो, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उसकी गलतियां ख़त्म होने से पहले नेकियों का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो दूसरों के गुनाह मेरे सर डाले जाएंगे। गाली उसने दी थी, शराब उसने पी थी, कितना कितना अजीब, देखिए ना मुआजना कैसे है। एक आदमी नेक है, दुनिया में नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, सब कुछ करता, दूसरा आदमी शराबी कबाबी जिनाकार सब, इसने उसको गाली दी, इसने उसको मारा, इसका मारना किया, अब इसकी नेकियां उसको चली गई, इसके गुनाह जो उसने किए थे, बदनाम ये था दुनिया में, बदनाम ये था, इसको इसके पास आ गए, पूरे गुनाह जो है इसके पास आ गए, और सिर्फ गुनाह आए नहीं, उसका नतीजा भी आया। नतीजा क्या आया कि पतोरेहा का तुम्मा तोरेहा फिन नारी, उसके बाद इस हाजी आदमी को, परहेजगार आदमी को, नमाजी जो मशहूर था, जो हज करके आया था, हर साल उमरा करता था, लेकिन लेकिन बहन का हक उसने खाया था, बात इशारा कर देते, बहन का हक खाया था
और भी किसी का हक खाया था, किसी को गाली दी थी, गीबत की, चोरी, तमाम चीज़ें। ऐसा आदमी जो बहुत दाढ़ी रखे माशाल्लाह, पैजामा पहने से ऊपर था, बदल ठीक ठाक दुनिया में था, लेकिन ऐसा आदमी जहन्नम में जाए, इससे बड़ा लुटेरा क्या हो सकता है, जो रोज़ों को लूट, हमारी नमाजें भी लूट लेगा, हमारे रोज़े भी लूट लेगा, हमारे हज ज़कात जो कुछ हम नेकियां करते हैं सबको लूट लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस लूट इन लुटेरों से अपने रोज़े को बचाएं। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, बहुत वाज़े है कि अपने रोज़ों को इन लुटेरों से बचाएंगे। आगे चलते हैं, एक छोटा सा उत्तर लेकिन अहम इशारा हो गया, दोहरा देता हूँ कि रमज़ान आने से पहले रमज़ान के अहकाम सीखिए। मशहूर हदीस है सुन्नत इब्ने माजा की, हसन हदीस कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना, उस इल्म का हासिल करना जिसकी मुझे ज़रूरत है। नमाज कैसे पढ़ी जाए, मुझे नमाज ऊपर फ़र्ज़ है, अब नमाज कैसे पढ़ी जाए, उसमें अरकान क्या है, वाजिबात क्या है, नवाकिद वुज़ू क्या है, तमाम शर्तें क्या हैं, तमाम बातें जानना उस पर फ़र्ज़ ऐन है। अगर मैं ज़कात मेरे पर फ़र्ज़ होती है, मैं मुझे कहीं से अंदेशा हुआ, कहीं से इशारा मिला तो ज़कात फ़र्ज़ हो रही, मैं मालदार हूँ, अब ज़कात के अहकाम जानना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं उमरा करने जा रहा हूँ, उमरा कैसे किया जाता है, उसके अरकान क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, महजूरात अहराम वो बातें क्या हैं जिसमें हालत अहराम में जिन चीज़ों से बचना है, अब इन चीज़ों का जानना मुझ पर ज़रूरी फ़र्ज़ हो गया है। तो जो भी इबादत में करने जा रहा हूँ उसके अहकाम को जानना, बुनियादी अहकाम जिसके बगैर मेरा वो मेरी वो इबादत नहीं होगी, उनका जानना मेरे लिए वाजिब है, ज़रूरी है, फ़र्ज़ ऐन, वाज़ेह अंदाज में फ़र्ज़ ऐन। एक तरीका तो ये कि आप खुद हासिल करने की किताबें पढ़ने की और उलमाए किराम के वीडियोस देखने की कोशिश करें। दूसरा रास्ता ये है, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई मसला समझ में नहीं आ रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तरीका बताया, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि अगर तुम्हें कोई मसला नहीं पता है तो अहले इल्म से पूछ लो, उलमाए किराम से पूछ लो। अल्हम्दुलिल्लाह आज उलमाए किराम की कमी नहीं है, आप फ़ोन उठाइए, अपने से मुफ्ती मत बनिए, खुद का मुफ्ती मत बनिए, अकल मत चलाइए, क्योंकि ऐसा होता है, ये रोज़ की बात है, उम्रा करने गए हैं, कुछ गलती करने के बाद वहाँ से सवाल करते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ कि आपने क्यों किया, नहीं बस मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, उनको लगा तो उन्होंने कर लिया, लगा तो कर लिया, लेकिन अगर दुनियावी काम में होगा तो 10 लोगों से पूछेंगे। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप ऐसे आप बन करके खरीद लोगे, क्या पूछो उन्हें उसकी कागजी हैसियत क्या है, किसके नाम पर है, उसकी डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, ये तमाम बातें पूछने के बाद ही आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदोगे। लेकिन इतनी बड़ी इबादत उमरा करने जा रहे हो, हज करने जा रहे हो, ये तौफीक नहीं हुई कुरान कराम के सामने बैठ कर उमरा के मसाइल पूछने या जो है हज के मसाइल पूछने। तो ये एक अहम नुकता था कि हमें रमज़ान के मसाइल किताबों के ज़रिए, उलमाए किराम की वीडियोज़ के ज़रिए, उलमाए किराम से बराह रास्त रब्ता करके हमें ये चीज़ें हासिल करनी है। एक दो बातें और रहेंगी, बात करके ख़त्म करता हूँ कि एक सुन्नत ये है कि रमज़ान का चांद देखा जाए, और ये पहले होता था शौक़ के साथ, अब थोड़ा कम हो गया, ये शौक़ दोबारा आना चाहिए। पहले हम लोग छत पर चढ़ जाते जहाँ जिसको मिला, अब तो लोग दुनिया मोबाइल में मशहूर हैं, ये ठीक है, लेकिन एक सुन्नत है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते, तरा अन्नास अल-हिलाला, सहाबे किराम ने, कौन लोग हैं सहाबे किराम ने रमज़ान का चांद देखने की कोशिश की, यानी ये सहाबे किराम की सुन्नत है, नबी के सामने ये अमल हुआ, ये बाबरकत अमल है कि चांद देखने की हर इंसान कोशिश करे, ताकि मसला गवाही कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवाही के लिए रहे हमारे पास, ये इश्काल का पैदा हो कि वो गाँव में 2 लोगों ने सिर्फ देखा, वो एक आदमी, क्योंकि देखने की रिवायत हमने खत्म कर दी कि हम जो थोड़ा सा वक्त निकाल कर कहीं छत पर कहीं भी अच्छी जगह जो जहाँ मतलब साफ हो, बदली ना हो, वहाँ जाकर देखें। तो हमें ये भी जो है सहाबे इकराम का तरीका है कि हम जो है चांद को देखने का एहतमाम करें। इसमें एक छोटी सी बात ये भी है, देखिए तरबियत के पहलू को हमेशा जहन में रखना चाहिए कि बच्चों को ले जाएँ, बच्चों को दिखाएं, बच्चे चांद देखें, खुश हों, घर मजा, बच्चों की अपनी क्या है, खुशी है, वो थोड़ा सा हिले जुलेंगे, चांद निकला बोलते हुए अपनी अम्मी के पास आएगा, ये सब तो होना चाहिए। कभी कभी बहुत बारीक बातें बहुत नहीं, कभी कभी ना इंसान को दीनदार तालीमात नहीं बनाती है, तालीमात नहीं, बहुत ज़्यादा उसको हदीस में ये कुरान में ये नहीं, कभी कभी इंसान का ईमान उसका कल्चर बचाता है। बात समझ में आई,
इंसान का ईमान कभी कभी उसका कल्चर बचाता है, और इसीलिए हम मशवरा देते हैं कि भाई घर कहाँ लेना है। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी जगह है, पोश जगह है, वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर ये मेंटेनेंस है, वहाँ की लिफ्ट अच्छी होती है, ये अच्छा तमाम, लेकिन वो गर्व का इलाका है। वहाँ जाएंगे तो कुर्बानी का मौका नहीं मिलेगा। ईद कैसे होती पता नहीं चलेगा, रमज़ान कैसे गुजरता पता नहीं चलेगा। इस मुसलमान मोहल्ले में रहो कम से कम ये पता चलेगा ईद कब आई है, रमज़ान कब आया है, रमज़ान की खुशी क्या होती है, ईद बकरीद में क्या चीज़ें होती हैं, वो आपके बच्चे को पता चलेगा। ये तो ये जो कल्चर कभी कभी जो है ये तालीमात से ज़्यादा कल्चर की ताकत होती है। आप कम से कम अपने बच्चों को ऐसे कल्चर में मत डालिए कि अपने कल्चर से नाबलद हो जाए, भूल जाए अपना कल्चर। बहरहाल ये बात थी रमज़ान के चांद देखने के ताल्लुक से। उसके बाद एक जो बात रहेगी छोटी सी कि रमज़ान देखने, रमज़ान का ये चांद या कोई भी चांद देखने की दुआ है, चांद देखने की दुआ है एहतमाम, क्योंकि इस पर रमज़ान से ताल्लुक है इसका कि हम जो है जब चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें, जो मशहूर दुआ है आपको याद रहनी चाहिए, कम से कम आप लेके जाएं। उस दिन का अहतमाम करने याद नहीं है तो लिख के लेके जाएं, चांद देखेंगे तो देख के पढ़ेंगे, इतना तो अहतमाम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। दुआ के अल्लाह कि अल्लाह तबारक वतआला तो इस चांद को हमारे लिए सलामती वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, इस्लाम वाला बना दे, बरकतों वाला बना दे। और उसके बाद चांद को मुखातब करके ये कहा जा रहा रब्बी व रब्बुकल्लाह, हम तेरी पूजा नहीं करते, तू भी मखलूक है हम भी मखलूक है, हम न तो चांद की पूजा, न चंद्रमा की पूजा, न सूरज की पूजा, हम किसी की पूजा नहीं करते, तू भी बंदा हम भी बंदे। ये एक तौहीद का पैगाम भी इसमें है कि बच्चे को बताना, बच्चा ये कहे कि चांद कुछ नहीं है, चांद तो अल्लाह की एक मखलूक है, ये मेरा देवता नहीं हो सकता, ये मेरी बिगड़ी बनाने वाला नहीं हो सकता, ये उसके असरात मेरी ज़िंदगी पर, मेरी तकदीर पर, मेरी किस्मत पर, चांद के असरात नहीं पड़ते, चांद के मनाजिर की वजह से मेरी किस्मत में कोई तब्दीली नहीं होती। अपने बच्चों को ऐसी भी तरबियत करना है। उसके बाद जो सिर्फ दो मसला रह गया छोटा सा, आप जानते हैं लेकिन इशारा कर दें कि रमज़ान आने से पहले हमें रोज़ा नहीं रखना। नबी की मशहूर हदीस है कि नबी ने फरमाया कि रमज़ान आने से पहले एक या दो दिन का रोज़ा ना रखा जाए, एहतियात के नाम पर या किसी भी नाम पर, ये जो है नबी ने मना करना है। इल्ला ये कि कोई आदमी किसी के कदा का रोज़ा है, किसी के नज़र का रोज़ा है, या किसी की आदत थी कि वो सोमवार को रोज़ा रखता है या जुमेरात को रोज़ा रखता है, इत्तेफाक से वो सोमवार के पड़ गया करीब में, रमज़ान से पहले रखना चाहता रख सकता है, जैसे कि हदीस में वज़ाहत है, या जुमेरात पड़ गया रखना चाहता है तो वो रख सकता है। एक आखिरी बात यह है कि शक के दिन का रोज़ा ना रखा जाए। शक का दिन कौन सा है कि अरबी में महीना, दो बातें आपको पता होंगी लेकिन तस्कीर के लिए, दो बातें, अरबी का महीना या तो 29 का होता है या तो 30 का होगा, ना तो 28 का होगा ना तो 31 का होगा, अरबी का महीना या तो 29 का होगा या तो 30 का होगा। एक बुनियादी बात जहन में आपके ये रहे। दूसरी बुनियादी बात ये कि अरबी एतबार से रात पहले आती है, रात पहले गिनी जाती है, दिन बाद में आता है। जैसे आज जो है तारीख के एतबार से, अब ये आज जैसे हम दिन कहें, जैसे ये शनिचर की रात है, अरबी एतबार से ये शनिचर की रात है, कल जो शनिचर होगा उसके बाद जो कल का सूरज डूबेगा तो शनिचर अरबी एतबार से शनिचर खत्म हो जाएगा, सब तो खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात। तो अब जो है शाबान का यौम शक किसे कहते हैं, शक के दिन का रोज़ा रखना ये अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है। और शक के दिन का रोज़ा क्या है कि 29 शाबान हो गए हैं, अब जो है कल जो है वो चांद दिख नहीं रहा है, बदली है, अब कल का दिन जो है वो 30 शाबान भी हो सकता है, एक रमज़ान भी हो सकता है। ये अलग बात है कि नबी ने कहा कि बदली है तो तुम शाबान के 30 दिन पूरे करो, लेकिन कोई आदमी ये कहे, सोचे कि दिल पे सोचे या अकल लगाए अपनी कि हो सकता है कि चांद हो दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं जो है एक रोज़ा रख देता, हो सकता है रमज़ान हो, तो नबी ने फरमाया कि जो जिसने ऐसा किया, सहाबी ने कहा जिसने ऐसा किया उसने नबी की नाफरमानी की। हमें जो है बिला वजह का एहतियात नहीं चाहिए, बिला वजह का शक नहीं चाहिए। ये चंद बातें थी जो आपके सामने मुझे कहना था, बातें तो और भी हैं जो दूसरे वर्के में हैं लेकिन चूंकि मैंने काफ़ी वक्त दे लिया है इंशाल्लाह, और मकसद यही था कि चंद टूटी फूटी बातें आपके सामने हो जाएं ताकि मुझे भी अमल की तौफीक मिले, जज्बा पैदा हो और आपके अंदर भी अमल का जज्बा पैदा हो। अगर मैंने कुछ अच्छी बातें कही हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर कोई गलती है तो मेरी तरफ से शैतान की तरफ से। अकूल क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फिरूहु इन्नहू वल्गफूरुर रहीम वआख़िरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन वअलि आलिहि वसहबिहि अजमईन।